बॉस का आपका सफर सफर अभी तो अच्छा लग रहा है ये मिलने के बाद, मगर अंदर का सफर बहुत भयंकर था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था और उसी को झेलते झेलते आई हूँ, इसलिए मेरे फैंस ने मुझे इसके करीब पहुँचाया। इसे पूरी जर्नी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, कुछ न्यू हैबिट आपकी बनी या कुछ चेंज आया आप में? उसमें चेंज ये हुआ कि मैं और स्ट्रांग बन गई, तो बाहर जो मेरे दुश्मन है वो समझ जाए कि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन गई और ज़्यादा प्रॉब्लम सहने की हिम्मत आ गई। सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कहा था कि सलमान खान आपका सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये शो मैंने सलमान खान जी की वजह से ही लिया, क्योंकि सब ने कहा था सलमान खान पूरे सीजन पूरा एपिसोड देखते हैं, सारे एपिसोड देख के फिर अपना ओपिनियन रखते हैं, वो कभी भी कोई चैनल कहे तो वो सुनते नहीं है। और मैंने इसी बेस पे ये शो लिया था कि वो जो भी न्याय करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, जो भी जस्टिस होगा, और उस हिसाब से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैंने जो भी जिस तरीके का मेरा घर के अंदर बिहेवियर रहा है और उन्होंने वही चीज़ को सपोर्ट किया जो घर के अंदर लोगों को हजम नहीं हुई चीज़ें, तो उनको प्रॉब्लम। अच्छा, हीना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने इतने इल्ज़ाम लगाया आप पे, उन्होंने इतना टॉन्ट मारा? हीना एक्चुअली क्या वो खतरों के खिलाड़ी करके आई है, तो उसको लगा कि पता नहीं उसने क्या कर लिया। थैंक गॉड मुझे बोलना नहीं चाहिए, उसने काफ़ी अच्छा खतरों के खिलाड़ी का ये किया था, सफ़र तय किया था, लेकिन अच्छा फिर भी विनर नहीं बन पाई थी वो, और इसलिए हम थोड़ा सा बच गए। अगर वो वहाँ विनर बनती तो पता नहीं घर पे उसका और क्या हाल कर देती सबका। तो जो भी है उसकी अपनी सोच थी, उसको थोड़ी बदलनी पड़ेगी, थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, हर चीज़ में नुक्स निकालना कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे साथ भी उसको वही प्रॉब्लम थी, आई थिंक डे वन से मेरे साथ प्रॉब्लम थी शायद। टीवी पे उस शो में हम दोनों ही थे जो सक्सेसफुल थे, तो मैंने तो कभी उसके साथ कंपटीशन की नहीं, क्योंकि हीना मेरी कंपटीशन है नहीं, टू बी फ्रैंक सच बोल रही हूँ। उसको थी, उसको मैं लगती थी, तो आई थिंक अभी फ़िलहाल कुछ कमेंट करने का मतलब। आकाश के साथ क्या हुआ था, वो आपको पहले माँ बांधते थे, उसके बाद क्या हुआ थी लड़ाई? और एक्चुअली वही कहा ना कि सबकी सोच अलग होती है, सबके दिमाग अलग होते हैं, उसके बाद संगत का असर हम बोलते हैं कि लोग आप कच्चे कान के होते हैं, लोग आपके कान भर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वो बहुत गलत मेरे लिए साबित हुई। मैंने बहुत कोशिश की, मैं पहले ही रिश्ते बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बोल के कोई चीज़ें होती नहीं है, बन जाती, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं, साथ में सारे एक ही कमरे में हम सोते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है ना चाह कर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से थोड़ी वो गड़बड़ हुई। लेकिन माँ कहाँ, तो मैंने माँ की तरफ पूरी कोशिश की कि माँ जो विकास अब आपके दोस्त बन गए हैं और काफ़ी बात भी चली कि आप लोग एक साथ प्रोजेक्ट करोगे, तो उसके बारे में क्या कहना है? दोस्त नहीं बने, बट रिलेशन अच्छा हो गया, मतलब कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आई होप मैं उनके साथ एक मैंने प्रॉमिस किया था तो छोटी वेब सीरीज करूँगी, बस एक ही। अच्छा, इसके बाद किसके किसके टच में रहेंगी बिग बॉस कंटेस्टेंट के? आई थिंक इसके बाद मैं पुनीश के टच में रहूँगी, बाकी आकाश अर्शी वो पागलों से मिल लूँगी कभी कभी, अगर मौका मिले तो मिलेंगे ज़रूर। लास्टली, बिग बॉस हाउस में आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाली हैं? सबसे ज़्यादा बिग बॉस हाउस में ऑब्वियसली बिग बॉस की आवाज़ जो थी, और सलमान डेफिनेटली सलमान जी को कौन नहीं मिस करेगा, बस। ओके, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया आपको? मेरे फैंस को मैं ऑब्वियसली थैंक्स बोलना चाहूँगी, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, फिर भी थैंक्स बोलेंगी, बहुत बहुत सारा मुझे प्यार देने के लिए ये आपके नाम, और बी हैप्पी, बी पेशेंट, बी स्ट्रॉन्ग।